एबीपीएस न्यूज सच का साथी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच द्वारा इको गार्डन में धरना देने के बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एकल बिंदु जीएसटी की व्यवस्था लागू करे, सरकार खुदरा में विदेशी निवेश संबंधी प्रावधानों में देसी कारोबारियों के हितों की रक्षा करे और घरेलू व्यापारी मंत्रालय की केंद्र एवं राज्य स्तर पर उनकी कमेटियों का गठन किया जाए, विदेशी कैश एवं कैरी थोक व्यवसाय द्वारा की जा रही अनियमितताओं से निदान भी दिलाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अन्य मांगें भी राष्ट्रपति को भेजी हैं और तत्काल इन पर कार्यवाही करने की मांग उठाई है। अगर एकल बिंदु जीएसटी आता है तो एमआरपी बेस वो बेसिकली हमने उस पर डिमांड करी है कि एमआरपी पर टैक्स दिया जाए, वो भी सिंगल पॉइंट के ऊपर। आज आप देखें किसी प्रोडक्ट की, एक ही सामान की आपको दो दो एमआरपी लक्की मिल सकती है। जब आप मॉल से खरीदते हो उसकी एमआरपी अलग है। पानी की बोतल ले लीजिए, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। बिस्लरी जब आप किसी दुकान से लेंगे 20 रुपये छपा मिलेगा, वही बिस्लरी किसी और ब्रांड से लेंगे आप फाइव स्टार होटल में तो 140-150 रुपये की एमआरपी छपी हुई है। इसका मतलब यह है कि एमआरपी की आड़ में बहुत बड़ा गेम हो रहा है विदेशी कंपनियों द्वारा। अगर एकल बिंदु जीएसटी एमआरपी पर लगती है तो एमआरपी कंट्रोल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी एमआरपी, सब प्रोडक्ट में एक ही एमआरपी होगी सभी के लिए। तो हमारा जो उपभोक्ता वर्ग है उसे बिल्कुल उचित कीमत मिलेगी। जहाँ तक सवाल है हमारे मंडी शुल्क का, जो मंडी शुल्क है वो फाइनली उपभोक्ता ही पे कर रहा है उसको, क्योंकि मंडी शुल्क का जो बेसिक पर्पज था मंडी डेवलप करना वो तो कुछ हो नहीं रहा, तो एक कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो तीनों मांगे हैं, एकल बिंदु जीएसटी, ऑनलाइन ट्रेडिंग और मंडी शुल्क, तीनों हम सिर्फ उपभोक्ता के लिए, जनता जनार्दन के लिए मांगने यहाँ बैठे हुए हैं। व्यापारियों के उत्पीड़न की बात है, सबसे खास बात जो जीएसटी की है, जीएसटी जिस वक्त इसकी अवधारणा हुई थी वो ये होती है कि सिंगल पॉइंट पे टैक्स लगेगा, एक ही जगह पर टैक्स होगा, सारे टैक्स इस पर जो इमर्ज होकर के कोई दूसरा टैक्स नहीं लगेगा और ये एक जगह लग करके सारा व्यापार फ्री हो जाएगा। जो बाकी के छोटे या मझोले किस्म के जो व्यापारी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिस वक्त ये जो टैक्स का जो प्रारूप आया, हालांकि प्रारूप काफ़ी दिन पहले आया, आपत्तियाँ भी ली गई, परंतु कुछ लोगों ने आपत्तियाँ दी पर वो आपत्तियाँ उतनी कारगर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। आज हम लोग ये चाहते हैं कि एकल बिंदु, अगर पहले तो एकल बिंदु हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एकल बिंदु न हो तो इसका सरलीकरण, क्योंकि ये बहुत टफ, इसमें इतने प्राविधान हैं कि इसमें व्यापारी को काफ़ी परेशानी होती है। तो इसका प्राविधान जो है इतना सरलीकरण हो जाए, जो हमारे रिटर्न्स हैं वो मतलब अगर हर महीने के बजाय 3 महीने के बाद हो जाए, और ये 20 लाख रुपये की जो लिमिट है ये कम से कम 50 लाख रुपये की लिमिट हो जाए, जिससे कि कम से कम जो मीडियम जो मध्यम दर्जे से छोटा व्यापारी है वो इसके झमेले में न पड़े। कुल मिलाकर हम लोग जो सरकार से इस बात की मतलब मांग करते हैं कि हमारा जो जीएसटी का प्राविधान है इसको निश्चित एक सरलीकरण किया जाए। और एक मांग हमारी और है कि व्यापारी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई अहमियत नहीं देती। इसका कारण हो सकता है कि व्यापारी स्वयं हो, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सड़कों पर इतना उधम बपड़ करे। तो हमारी मांग ये है कि जो ये राज्यसभा और ये विधान परिषद है, कम से कम इसमें जो है जो भागीदारी, जो पॉलिटिकल भागीदारी है उसमें दी जाए, और जो संगठन है, स्थानीय संगठन जिले के होते हैं, जो भी सरकार हो वो सरकार व्यापारी वर्ग को भागीदारी दे, जिससे कि व्यापारी अपनी बात को पॉलिटिकल रूप से कह सके और उसको उसकी सुनवाई हो सके। तीसरी बात मेरी एक और है कि व्यापारी का कोई सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा, हालांकि गवर्नमेंट का सुरक्षा फॉर्म का गठन किया हुआ है पर वो निश्चित रूप से कोई कारगर नहीं होता। उसमें पुलिस वो जो है सेंसिटिविटी यूज़ नहीं करती जो इस्तेमाल होनी चाहिए। व्यापारियों को कम से कम मिनिमम 20-30 लाख रुपया उसको मुआवजा मतलब मिलना ही चाहिए हर हालत में। तो इस तरह व्यापारी का सिक्योर होना जरूरी है और व्यापारी को व्यापार करने का जो एटमोसफियर है वो अच्छा बनाने की हम लोग मांग रखते हैं। एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी।